तो उधर एल्विश यादव केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दे, नोएडा पुलिस ने जेल में बंद 5 आरोपियों की फिर से रिमांड लेगी पुलिस। तो देखिए बता दे कि एक बार फिर से 5 आरोपियों की रिमांड पुलिस लेगी। पुलिस ने न्यायालय में लगाई है अर्जी, रिमांड के लिए पुलिस ने ठोस सबूत कोर्ट में पेश भी किए हैं। जांच के दौरान मिली लाल डायरी को भी पुलिस आधार बना करके कोर्ट में कर सकती है पेश। और देखिए जब से पुलिस के हाथ ये लाल डायरी लगी है तब से ये भी कहा जा रहा है, ये भी माना जा रहा है कि इस डायरी से एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है, क्योंकि इस डायरी में हर एक चीज बड़े ही विस्तार से लिखी हुई है और इस डायरी के आधार पर ही नोएडा पुलिस अपने इस पूरे मामले को लेकर के जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। अब एक बार फिर से न्यायालय में अर्जी नोएडा पुलिस की तरफ से लगाई गई है, रिमांड के लिए पुलिस ने ठोस सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। जांच के दौरान मिली लाल डायरी को भी पुलिस आधार बना करके कोर्ट में पेश कर सकती है। तो एल्विश यादव केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, और जब से डायरी पुलिस के हाथ लगी है ये भी माना जा रहा है कि एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती है।